हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का आर्मी सिमुलेटर की एक और वीडियो में। आज हम फर्स्ट मैप का फोर्थ पार्ट खेलने जा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक कुछ इधर उधर किया, पलाव लिया, अपना प्रॉफिट भी एफिशिएंट से बढ़ाया। तो आज का मेन मुद्दा है न्यू ट्रैक्टर, यानी कि बड़ा ट्रैक्टर जिसमें ज़्यादा हॉर्स पावर हो और ज़्यादा दमदार ट्रैक्टर हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं गेम प्ले। मेन मुद्दा है न्यू ट्रैक्टर, जिसके लिए चाहिए हमको ढेर सारे पैसे। हमारा जो इनकम का मेन सोर्स है वो है खेती। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं ट्रैक्टर लाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए? इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं, जो कि है पुराने वाले ट्रैक्टर को बेच देना। बेसिकली हम उसको बेचेंगे ही क्योंकि हम उसका रख करने भी क्या वाले हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि हम रखेंगे किस वाले ट्रैक्टर को और बेचेंगे किस वाले को। तो हमें थोड़े पैसे कमाने पड़ेंगे। जब हम न्यू ट्रैक्टर बाय करेंगे तो हम एक पुराने ट्रैक्टर को सेल कर देंगे, ताकि थोड़ा पैसा बढ़ाया जा सकता है। जो हमारे दोनों ट्रैक्टर हैं, एक तो मेसी का है, एक जॉन डियर का है। लेकिन मेसी वाला है, ये थोड़ा स्पीड अच्छी है इसकी, 40 की स्पीड देता है। और मेसी वाले की स्पीड कम है, लेकिन ठीक उसमें ज़्यादा हॉर्स पावर है। लेकिन मेन मुद्दा है टर्निंग रेडियस का। इसका टर्निंग रेडियस जो मेसी वाला है, इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम है, जो ये जल्दी से टर्न हो जाता है। लेकिन जो जॉन डियर वाला है, इसका टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा होने के कारण से ये मुड़ नहीं पाता है, जो कि फार्मिंग में अच्छी बात नहीं है, पलाव पलू में बहुत दिक्कत देता है। तो एक कारण तो ये है, इसको बेचेंगे हम जॉन डियर वाले को। लेकिन एक कारण ये और है कि ये ज़्यादा हॉर्स पावर का है, तो इसलिए इसका सेलिंग प्राइस भी हमको ज़्यादा मिलेगा, जिससे क्या है कि हम एक अच्छा ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। बड़ी ट्रॉली फायदे होते हैं, इसमें बहुत सारा भर के ले जा सकते हैं। फिर चलते हैं, जून का महीना है, कुछ बेच के आते हैं। लेकिन अब की बात तो 3700 दे दिया है प्राइस, लेकिन पीक नॉर्मली देता 3500 तो आज पीक डिमांड है, इसलिए ज़्यादा दे रहा है, सेल करके आते हैं। चलते हैं, नॉर्मली हम नॉर्थ वाले भी बेच के आते हैं, लेकिन आज साउथ वाले पे डिमांड आई है, जो कि अच्छी बात है। इसी कारण थोड़ा महंगा है, चलो अच्छी बात है, हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। देखते हैं ट्रॉली का कितना मिलता है। साहब 91,000, बहुत ही बढ़िया। इसको यही पे लगाते हैं, वर्कर को लगाते हैं, देखते हैं कि वो काम करता है कि नहीं करता, सही से लोड अनलोड करता है कि नहीं करता। ये रीसेट किया, ठीक। काम करते हैं, पैसा 118, आधा ही भर के लाया था। इससे करते हैं, फिर भर के लगाते हैं इसको सेल पे। अपना साइलो पूरा खाली हो गया है, इसको भी हार्वेस्टर से भर देते हैं। थोड़ा बहुत हार्वेस्टर में पड़ा हुआ सोयाबीन, चलो इसको चलता है ये टक गया। निकल आते थे इसको लगाते हैं जॉब पे, डिलीवरी साउथ ग्रेन स्टोर लूपिंग, ओके फाइन। चलो कर देना चाहिए सही से डिलीवरी। ज़रा एक काम करते हैं, अभी इसको ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। इतने में वो वहाँ पे पहुँच के खाली करता है, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है,
इसको करते हैं सेल 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 सेल, ओ 74,000 दे रहे हैं इसके। देखते हैं ये खाली किया इसके कितना चाहिए, 66,000, 66,500 मिला है इसको, सेल कर दिया। 40 चलते हैं ट्रैक्टर में, टिकट अग्री मीडियम, मीडियम तो है ही अपने पास, मीडियम में तो है ही, अपने को चाहिए लार्ज ट्रैक्टर। लार्ज में ये दो जो पहले वाले हैं ये खरीद सकते हैं हम, और तो बाकी बजट से बाहर हो जाएंगे अपने। इन दोनों का प्राइस सेम ही है, 5 HP का फर्क है। इन दोनों में से एक ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा, ये 305 हॉर्स पावर का है HP का, ये 310 का है। मेरा मन खरीद कर रहा है मेसी खरीदने का, लेकिन ज़्यादा HP का ये है, चलो इसको ही खरीदते हैं फिर। चलते हैं, दिखने में ये भी मस्त है, एक नंबर, क्या ही दिख रहा है। ब्रांडिंग महिंद्रा की जैसी लग रही है थोड़ी, लेकिन नहीं महिंद्रा नहीं है, ये माइक्रोन में की तरह कुछ कंपनी है, नहीं आई है। अरे भाई साहब क्या ही स्टीयरिंग इसका स्मूथ चल रहा है, स्पीड देखो 50+ है, सो स्मूथ कैसे हो। चलो इस पे अटैच करते हैं, चला के देखते हैं थोड़ा। चलो चलो चलो, अरे यार क्या बेइज्जती करा रहा है तू मेरी ट्रैक्टर। उल्टा करके कंट्रोल काम नहीं करते अच्छे, उल्टा कर लेते हैं तो कंट्रोल समझ में नहीं आता, लेफ्ट कर राइट हो जाता है, राइट कर लेफ्ट हो जाता है, इसकी जगह तो नहीं आती। मेरा ट्रैक्टर जो है वो बहुत ही पावरफुल हो गया, जिसका मतलब ये आसानी से सीटों को फुल अपने फुल पोटेंशियल पे चला पाएगा, वो एक अच्छी बात है। जो अपने जो हार्वेस्टर है उसकी स्पीड को मैच कर पाएगा फिर, बहुत ही सही है। लेकिन ये हालांकि सीडर की स्पीड है वो 15 की है, टॉप स्पीड 15 की है, लेकिन फिर भी ये अपने फुल पोटेंशियल पे तो चल पाएगा। पहले वाले भी तो इसको बेचारे 10-8 10-8 ऐसे चला पाते थे, लेकिन अब थोड़ा वैसे कंट्रोल करने में बहुत सही है। हालांकि इसको चलाने का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है, इजी टू कंट्रोल है, देखिए कर पाए। लेकिन पहले वाले ट्रैक्टर को मैं ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाता था, इधर उधर भाग जाता, उसका कंट्रोल ही काम नहीं करते थे आधी बार। मेरे को क्या लगता है कि जो तो डेवलपर है इसको पहले जो क्लासिक स्टार्टिंग में जो ट्रैक्टर मिलते हैं उसको जानबूझ के ऐसा थोड़ा फिजिक्स उसका बिगाड़ के रखते हैं, ताकि प्लेयर को नया ट्रैक्टर खरीदना पड़े और उससे गेम आगे खेलने की उसकी इच्छा थोड़ी और बने, मतलब गेम में बिजी रहे, थोड़ा जानबूझ के ऐसा करते हैं। हालांकि जो नया वाला ट्रैक्टर बहुत ही स्मूथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ, इसको चला के एकदम मक्खन मज़ा आ रहा है। देखो एकदम 15 की स्पीड पर चला रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन नीचे भी नहीं आने जा रहा है, इसको फुल पोटेंशियल पे चला रहा है इसको। चलो थोड़ा और वर्क करके देखते हैं इसको, दवाई छिड़कते हैं, चलाने में एकदम ईजी। इसकी फुल स्पीड पे लीवर को पुल भी नहीं कर सकते, भाग जाता है इधर उधर, देखो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये जो स्प्रेयर है इसका ये खुलने वाला बहुत टाइम लगाता है, खुलने में बहुत टाइम लगता है,
वो आया भी स्पीड में चलता है, लेकिन ठीक है इसको लगाते हैं। स्प्रेडर को लगाया, ठीक है आगे वाले में। ठीक है यही को लगाते हैं इसमें, खोलने में बहुत टाइम लगाता है, दिमाग खराब होता है। चलो 12 की स्पीड, अच्छा इसका स्पीड ही इतना 12 की स्पीड में कर पाता है। मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, उस पर चलते हैं। क्या कर लगाते हैं और फिर लेकिन बीच में क्यों खड़ा है, काम पूरा के लिए तो साइड में ऊपर ऊपर आगे खड़ा होता ना, लेकिन वही बीच में खड़ा है, क्या पंगा की इसने। 70% 50% डीले फर्टिलाइज किया है पहले वाला का, ये इधर तो 100% हो रखा है। अबे नल्ले वर्कर, आधे में छोड़ के कवल रहा है, मेरा काम हो गया। इनका यही है जो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर इनको देते हैं तो ये आधे में यही करते हैं। चलो कभी भी मना कर देते हैं, अपने को करना पड़ेगा खुद को। लेकिन इसका इसके वाला सही है, ये थोड़ा इजी है करने में भी, उधर लगा हुआ इससे करते हैं फिर। पीछे से निकलता खाद कितना खत्म हो गया, चलते हैं सीधा वाले करते हैं, उधर से करते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं उसको अंदाते मिल देते हैं। दोनों को तुम एक साथ ही करते थे, लेकिन वो वाला वहां कैसे अटक गया। अरे यार एक को छोड़ो तो दूसरा अपने काम छोड़ लेता है, एक पंगा इनका। ये देखो फर्टिलाइज 50% इधर कर रखा है इसने। अरे भाई क्या ही पंगे इनकी, फर्टिलाइजर का तो अपने आप करना पड़ता है। यही वर्कर को लगाओ तो आधा छोड़ देते हैं आधा, तभी मैं सोचता हूँ अपनी फसल इतना कभी तो फूल फट जाता है, लेकिन कभी कभी तो फसल ही नहीं होती सही। चलो कोई नहीं इसको लगा वहाँ पे, इधर इकट्ठा करते हैं खड़ा करते हैं, इधर ही खड़ा कर देते हैं इस पेड़ के पास में, लगाते हैं पीछे में। इसको जोड़ेंगे, वैसे भी स्पीड तो उसकी फिक्स ही है, इनमें कोई हॉर्स पावर का तो है नहीं कि भाई वो तो अपने इसको चलाओ तो इसको चलाओ दोनों स्पीड बराबर ही देने वाले। इन वाल स्प्रेडर का सही है, इनका स्पीड भी स्पीड का कोई हॉर्स पावर का वो नहीं है, इनको बस एक ट्रैक्टर चाहिए तो इनको उठा सके पीछे, बस स्प्रे कर। सीडर का भी ठीक है लगभग, लेकिन जो अपना क्या नाम है उसको सोइलर है, सब सोइलर भाई साहब 300 HP का है वो। हाँ लेकिन ये वाला ट्रैक्टर उसको खींच लेगा, 310 HP का है, अच्छे से चला पाएगा उसको 15 की स्पीड पे शायद।
हो गया कंप्लीट, चलते हैं इसको थर्ड। इसका तो पीओवी है ट्रैक्टर का अच्छा है, नए वाले से भी अच्छा है। यहाँ पीओवी देखें ना, इस वाले ट्रैक्टर को भी अगर अपग्रेड करेंगे, लेकिन उसके लिए पैसा लगेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बहुत घिसनी पड़ती है इसमें। स्टार्टिंग में तो बहुत ग्राइंड करना पड़ता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, इनकम के रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो इतना वो नहीं करना पड़ता। फिर तो एक ही दिन में आप वो कुछ भी ख़रीदना चाहो थोड़ी देर में ग्राइंड करके ख़रीद सकते हो, लेकिन अभी तो बहुत ग्राइंड करना पड़ता है। चलो फसल उगा दिए, इसको पकने का इंतज़ार करते हैं। मिलते हैं दोस्तों, आप सब्सक्राइब करो, अगले में शायद से ट्रैक्टर लेंगे नया वाली को। आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ऐसे मज़ेदार गेमिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।